Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss about the next tag in MS, next tag in HTML, that is font tag. So today I am going to discuss about the font tag in HTML. So font tag is also a, this tag is, it is used to change the appearance of the text to be displayed on the web page. Now here, this attribute has lot of this tag. Font tag means what? This is the font tag. So you can start the font. You can write font tag in this way. Font tag start. So it is also one container tag. Font tag has different attributes. Like attributes of font tag is size is one of the attribute. Next one is color is one of the attribute. And one more attribute is like face. Face is, so we have three basic attributes. ये तीन, इसके अलावे बहुत सारे attributes हैं. ये basic attributes हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना? So we will discuss one by one the all the attributes along with the font tag. Now, अब I have discussed this program. ये जो program है जिसका कि browser में आप देखिएगा तो output ही है, ठीक है ना? अब हम लोग इसका program जो ये है, इसका जो output ये है, इसको हम लोग पढ़ेंगे. इसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे. अब ये जो पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ जो देख रहे हैं, ये पैराग्राफ का फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे. कैसे? अब देखिए, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ ये हमारे पास पैराग्राफ, ये देखिए विजन एंड मिशन का टैग ये है और इसके नीचे ये विजन एंड मिशन ये है, ये ना, इसके नीचे ये पैराग्राफ है. तो पैराग्राफ टैग को स्टार्ट किया, ओपन किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ बिफोर में फॉन्ट टैग लगाता हूँ. फॉन्ट टैग स्टार्ट और फॉन्ट टैग क्लोज कर दिए, ठीक है ना, फॉन्ट टैग क्लोज कर दिए, ठीक है. अब क्या मैं करने चाह रहा हूँ, इसका जो फॉन्ट साइज है इसको बढ़ाना चाहता हूँ. साइज इज इक्वल टू सपोज टेन कर दिया. पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट है उसके साइज को बढ़ा दिया. देखिए टेक्स्ट 10 हो गया, साइज टेक्स्ट बढ़ाएं इसको, देखिए इसको 10 जो है बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं साइज 2 करता हूँ. साइज 2 कर दिया, फॉन्ट का जो भी टेक्स्ट है उसके साइज को छोटा हो गया. ये देखिए इसके कंपेयर में छोटा हो गया. तो अगर मैं यहाँ पर 4 करता हूँ, 4 कर दिया, देखिए तब इससे बड़ा हो गया. अगर 5 करता हूँ, यहाँ पे 5 कर दिया, क्लियर, 5 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, फॉन्ट का साइज 5 कर दिया, यहाँ पे फॉन्ट का साइज अब 4 करता हूँ. अब ये क्या करता हूँ, देखिए ये हमारा आवर एम है, आवर एम हेडिंग में है और ये पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ को लेता है, ये पैराग्राफ के पहले टैग लगाते हैं. कौन सा टैग? फॉन्ट टैग. फॉन्ट टैग स्टार्ट किए और फॉन्ट टैग क्लोज कर दिए, फॉन्ट टैग क्लोज कर दिए. अब देखिए ये फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया. फॉन्ट टैग के अंदर एक अट्रीब्यूट लेते हैं, साइज, साइज एक अट्रीब्यूट लेते हैं, साइज एक अट्रीब्यूट लेते हैं, साइज अट्रीब्यूट लिए क्या चीज़, 4 कर दिए, ठीक है ना. अब देखिए इसका साइज जो है 4 हो गया. इसका 4 आई था, इसका 4 था. अब इसका साइज मैं नीचे वाला और ऑब्जेक्टिव से पैराग्राफ, ये हेडिंग में और ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के पहले मैं एक फॉन्ट टैग लेता हूँ. फॉन्ट टैग स्टार्ट किए और फॉन्ट टैग क्लोज कर दिए. फॉन्ट टैग क्लोज हो गया, फॉन्ट टैग क्लोज हो गया. फॉन्ट टैग पे साइज अट्रीब्यूट ले लिए, साइज अट्रीब्यूट सही कर दिए, साइज अट्रीब्यूट सही कर दिया. देखिए यहाँ पे फॉन्ट का साइज ये 3 है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. अब इसका मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज सपोज
4 कर देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज 5 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस, ये दोनों का फॉन्ट साइज सेम हो गया, इसका साइज डिफरेंट हो गया ना। या आपको तीनों का डिफरेंट करना है तो इसका 4 कर दीजिए, नीचे वाला का, मिडिल वाला का 5 और ऊपर वाला का 6 कर दीजिए, मिडिल वाला का ऊपर वाला का 6 कर दीजिए। इस तरह से फॉन्ट साइज जो है सबका चेंज हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज होगा फॉन्ट टाइप के अंदर साइज अट्रिब्यूट। अब देखिए हम लोग जो भी फॉन्ट है उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, कलर कलर अट्रिब्यूट है। अब कलर इज इक्वल टू मैं सपोज कलर जो है इसका ब्लू करता हूँ, ब्लू कलर ब्लू कर दिया, इसका कलर ब्लू कर दिया और डिफॉल्ट सारा का ब्लैक है। अब देखिए ब्लू हो गया, इसका कलर चेंज करना है तो क्या करूँगा, ये फॉन्ट टैग है ना, यहाँ पे गए और कलर प्रॉपर्टी अट्रीब्यूट अप्लाई किए, कलर अट्रीब्यूट इज इक्वल टू क्या कर दिए, सपोज ग्रीन कर दिए, ग्रीन ग्रीन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब इसका नीचे है और इसका फॉन्ट कलर जो है चेंज करके ब्राउन कर देते हैं, ब्राउन ब्राउन कलर लास्ट वाले का ब्राउन कर दिया। देखिए इसका कलर चेंज हुआ ना, ब्राउन हो गया, इसका ग्रीन हो गया, इसका ब्लू हो गया। अगर आपको कोई दूसरा कलर भी करना है तो सपोज येलो कलर करना है, नीचे वाले को येलो कलर करना है, ब्राउन चेंज करके येलो करना है तो येलो भी कर सकते हैं, येलो ठीक है। ब्राउजर में चलते हैं, देखिए येलो कलर हुआ, येलो कलर इज नॉट विजिबल, ज़्यादा ये दिखता नहीं है, येलो कलर ना लेके इसका हम लोग कलर कौन सा लेते हैं, सपोज ऑर्चिड लेते हैं या ऑरेंज कलर लेते हैं, ऑरेंज कलर लेते हैं। तो किसी भी वेबसाइट का आप देखिए, एक कलर जो है मैंने येलो लिख दिया, यहाँ पे कलर विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा। तो किसी भी वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन जो होता है ना उस मेन होता है, कलर कॉम्बिनेशन इज मेन फॉर एनी वेब, मेन थिंग फॉर एनी वेबसाइट का उसी है। सो कलर मैं सपोज येलो से मैरून ले लेता हूँ, मैरून मैरून मैरून, या हम सपोज इंडिगो लेते हैं, इंडिगो इज अनदर कलर, इंडिगो 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 कलर लेते हैं, तो दिस इज इंडिगो कलर। और ऑरेंज कलर इज द बेस्ट आई थिंक, ऑरेंज कलर इज द ऑरेंज कलर, तो फॉन्ट का कलर मैंने ऑरेंज ले लिया, क्लियर ऑरेंज कलर, नाउ इट इज गुड, तो ऑरेंज कलर। नाउ नेक्स्ट, सो फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग आई हैव एक्सप्लेन, इन द फॉन्ट टैग वी हैव थ्री एट्रीब्यूट, फॉन्ट साइज इज देयर, फॉन्ट कलर इज देयर, फॉन्ट फेस इज देयर, फॉन्ट फेस इज देयर। नाउ द लास्ट एट्रीब्यूट इज द फेस, फॉन्ट फेस और फॉन्ट फैमिली, ये जो फॉन्ट या जो टेक्स्ट दिख रहा है उसका स्टाइल चेंज करना, मतलब अपीयरेंस इसका अलग अलग तरीका में दिखाना। तो एमएस वर्ड अगर आप ओपन कीजिएगा तो सी ईयर कोई भी टेक्स्ट ओपन लिखते हैं ना, ये सपोज लिखे नरेश टेक्नोलॉजी, नरेश आई टी, नरेश आई टी, इसको साइज को बड़ा करते हैं पढ़ते थे, नरेश आई टी या क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड इंटरनेशनल। देखिए अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब इसके यहाँ पर गए फॉन्ट में, ठीक है ना, फॉन्ट फैमिली इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और देखिए अप्लाई करते जाइएगा, डिफरेंट स्टाइल्स आ गए, देख रहे हैं एरियल, एरियल स्टाइल है ये, यहाँ पे गए तो एरियल ब्लैक हो गया, यहाँ पे गए तो आपका स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है, ये इस तरह से आ गया, गति जो भी है यहाँ से है, तो इस तरह से आपका स्टाइल सेम, ये चीज़ हम चाहते हैं HTML में, सेम HTML में चाहते हैं। तो वी हैव द एट्रीब्यूट, हमारे पास एट्रीब्यूट है, क्या एट्रीब्यूट है, सो द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज फेस, फॉन्ट फेस ना कम हियर इन द फॉन्ट, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में गए फॉन्ट टैग के अंदर फेस एट्रीब्यूट है, फेस इज इक्वल टू क्या करें, फेस इज इक्वल टू सपोज एरियल है मेरा, एरियल आपको टाइप नहीं करना, आप देखिए यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरह का ही चाहिए, इसको सेलेक्ट किए और देखिए ये किस तरह का है,
थोड़ा ऊपर देख लीजिए, ये इस तरह ये है, इसका नेम है ये, इसको आइए HTML में और यहाँ पे फेस वैल्यू में डाल दीजिए, इसको फेस वैल्यू में इसको डाल दीजिए, ठीक है ना। अब ब्राउजर पे चलिए, ये जो पैराग्राफ है इस तरह से दिखेगा, ये जो पैराग्राफ है इस तरह से दिखेगा, दिखना चाहिए पैराग्राफ है इस तरह से दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि सम इशू इज देयर। डबल कोड में करके देखते हैं, हो गया ना, ब्राउजर में इस तरह से दिख रहा है, जैसे HTML में ये हमारा इस तरह से दिख रहा है ना, फॉन्ट फैमिली है, क्रिएटिव माइंड इंटरफेस इसको दिख रहा है ना इस स्टाइल में, तो वो स्टाइल HTML में चाहिए। ये कैसे होगा, हमारे पास फॉन्ट फेस है, फेस में ये अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे भी आते हैं फॉन्ट फेस, फेस एक अट्रीब्यूट है, फेस इक्वल टू डबल कोट, और फेस हमको कौन सा चाहिए, सपोज इस तरह का मुझे क्रिएटिव माइंड चाहिए, अब इस तरह का नहीं चाहिए क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड मुझे कुछ इस तरह से चाहिए, इस तरह से उसको चेंज करते हैं, ठीक है, हमको सपोज इस तरह से चाहिए, इस तरह से क्रिएटिव माइंड लिखा हुआ चाहिए मुझे, समथिंग कॉल्ड क्रिएटिव माइंड सेंटर ऑफ है, ठीक है ना। अब इसको मैं इसका फॉन्ट फैमिली यहाँ से कॉपी कर दिया, ब्राउजर में यहाँ पे डायरेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आए और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आए और इसका पेस्ट कर दिया, तो सेलेक्ट कर दिए ये है, ये इसका कॉपी किए ब्राउजर में आए और इसका पेस्ट कर दिए, ठीक है ना। अब जो स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है क्रिएटिव माइंड का, वही ब्राउजर पे दिखना चाहिए, ठीक है ना, यही ब्राउजर पे इसके लिए दिखना चाहिए, कम है देखिए। तो फॉन्ट का स्टाइल अब चेंज हो गया, ये हमारा जो टेक्स्ट है, फॉन्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, जो टेक्स्ट है ये क्या है, बॉडी का टेक्स्ट है, ये हमारा वाइट पोर्शन जो दिख रहा है क्या बॉडी है, क्या है बॉडी ऑफ द HTML, और बॉडी ऑफ जो HTML है ना, ये क्या है बॉडी ऑफ द HTML जो है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके फॉन्ट के कलर को चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट के कलर को चेंज किया, फॉन्ट के साइज को चेंज किया, फॉन्ट के फैमिली को चेंज किया, फॉन्ट के फैमिली को चेंज किया, ये क्या फॉन्ट फैमिली है, इसी को बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल ऑल्सो, फॉन्ट टाइप ऑल्सो, सो वी हैव डिफरेंट फॉन्ट टाइप इन MS Word, अगर MS Word में चले तो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल है, तो जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो कर सकते हो। अब एरियल ब्लैक मेरे पास एक है, ठीक है ना, क्रिएटिव माइंड मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से चाहिए, एरियल ब्लैक में इस तरह से क्रिएटिव माइंड लिखा हुआ चाहिए, यहाँ ब्राउजर में इस तरह से सेलेक्ट किए एरियल ब्लैक, यहाँ से स्टाइल को सेलेक्ट किए एरियल ब्लैक, अब इस तरह से हमको लिखा हुआ चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको एरियल ब्लैक है, तो यहाँ पे लिए और ब्राउजर में आए, HTML प्रोग्राम में फॉन्ट फेस में गए, यहाँ पे गए पैराग्राफ टैग के अंदर और अलाइन इक्वल टू लेफ्ट जहाँ लिखा है ना, फॉन्ट टैग के अंदर फॉन्ट साइज ये हो गया, कलर ऑरेंज हो गया, और फेस इज इक्वल टू क्या कर दिए, यहाँ पे आए और पेस्ट कर दिए, एरियल ब्लैक हो गया, एरियल ब्लैक हुआ। अब यहाँ पे आए ब्राउजर में, दिस इज What the style, font style, Arial Black हो गया, ये इसका different हो गया, इसका अलग हो गया, so in this way we can apply the font face also, so this is all about the font tag, the remaining tag is, which one is the next tag, bold, italic and underline tag. The next topic is, so these topics, font tag I have discussed. Now next tag is, and the last tag. So first bold, comma italic,
and underline the line. So we have different tags for this. Now अब इसके लिए बोल्ड के लिए हमारे पास टैग है, बोल्ड के लिए टैग है बी टैग है, ये भी कंटेनर टैग है, कंटेनर टैग है ठीक है ना, बोल्ड के लिए बी है, इटैलिक के लिए आई टैग है, आई टैग है, और अंडरलाइन के लिए ये जो अंडरलाइन है बी टैग है ठीक है ना। अब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन देखिए हमारे पास जो ये है क्या बोलते हैं, अगर एम एस वर्ड का ही बात करें तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना है, ये जो है ना इसको क्लिक किया तो ये बोल्ड हो गया। अब इसको देखिए, इसको सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया तो ये इटैलिक हो गया, इटैलिक मतलब झुका हुआ है, इसको सेलेक्ट किए ये बोल्ड है ठीक है ना, इसको सेलेक्ट किए अब इसके नीचे अंडरलाइन करना है, इसको क्लिक किया तो ये अंडरलाइन हो गया। तो ये सेम फीचर सेम जो है हम HTML में करना चाहते हैं, सेम ब्राउजर पे ये दिखाना चाहते हैं, जो विजन एंड मिशन जो लिखा है उसको अंडरलाइन करना चाहता है और एम को अंडरलाइन करना चाहता है और ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए अंडरलाइन के लिए क्या टैग है हमारे पास, अंडरलाइन के लिए यू टैग है, अंडरलाइन के लिए यू टैग है। तो मैं अब आवर एम आवर ऑब्जेक्टिव जो हेडिंग है उसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ये हेडिंग है अंडरलाइन करना चाहता हूँ। कहीं भी आप या तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं या इसके बाद में लिख सकते हैं, जहाँ लिखिएगा ऑर्डर सिर्फ आपको मेंटेन करना है। तो मैं तीनों तीन जगह लगा के लिखा हुआ, अंडरलाइन स्टार्ट की यहाँ पर और यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना तो जैसे ही टेक्स्ट खत्म हुआ वहीं पे बंद कर दिए, अंडरलाइन नहीं पे बंद कर दिए। देखिएगा ब्राउज इसको सेव किए, ब्राउजर पे चलिए, ब्राउजर का ये देखिए अंडरलाइन हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो गया। ऐसे ही आवर एम को करना है, और एम को करना है तो मैं अभी यहाँ पे लगा के दिखाया था, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन स्टार्ट किए और एच टू जहाँ पे ख़त्म हुआ ये अंडरलाइन यहाँ पे ठीक है ना, सेव किए ब्राउजर पे। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सेंटर पहले स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सेंटर बंद हुआ, उसके बाद अंडरलाइन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद अंडरलाइन बंद हुआ, और लास्ट में सेंटर लगा तो हेडिंग लगा तो लास्ट में हेडिंग बंद हुआ। ब्राउजर में जाए यहाँ पे आए और सेकंड भी अंडरलाइन हो गया। अब इसको भी अंडरलाइन करना है तो आए यहाँ पे कोड में और यहाँ पे देखिए अंडरलाइन करना है तो पहले मैं यहाँ पे अंडरलाइन लगाया फिर यहाँ पे लगा, अब सेंटर को पहले भी लगा के दिखाता हूँ, अंडरलाइन स्टार्ट हुआ, अंडरलाइन टैग और अंडरलाइन टैग क्लोज हो गया, अंडरलाइन टैग क्लोज हो गया, अंडरलाइन टैग क्लोज हो गया ना, ब्राउजर पे आए तो दिस इज व्हाट अंडरलाइन हो गया आपका, अंडरलाइन ये भी टेक्स्ट हो गया, हेडिंग्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो सिर्फ हेडिंग ही अंडरलाइन नहीं है, अगर आप इसको भी अंडरलाइन करना चाहते हैं तो क्या होगा, यू टैग है उस टैग के अंदर जिस चीज़ को भी अंडरलाइन करना है, सो यू हैव टू यूज द यू टैग, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है यू टैग है ठीक है ना। अब हमारे रिक्वायरमेंट है कि ये जो ये है हेडिंग इसका सपोज अब मैं क्या बोल्ड और इटैलिक अभी दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट माय रिक्वायरमेंट इज ये जो हेडिंग जो है ना ये नॉर्मली दिख रहा है, इसको बेंड किया हुआ झुका हुआ दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या है टैग इटैलिक टैग है आई, तो यहाँ पे एक टैग है आई, आई किए इटैलिक के लिए आई करते हैं टैग, और आई टैग स्टार्टिंग में लगाया तो आई टैग यहाँ पे एंड में लगाते हैं, आई टैग एंड में लग गया इटैलिक। अब देखिए ये आवर एम जो है ना ये झुक जाएगा, जहां पे भी लगाइएगा वहां पे आवर एम, ये देखिए आवर एम पे लगाया हूं तो आवर एम झुक गया ठीक है ना, ये झुका हुआ भी दिख रहा है। अब आते हैं विजन एंड मिशन पे लगाइएगा, कम या विजन एंड मिशन पे क्या करता हूँ लगा रहा हूँ इटैलिक लगाया आई स्टार्ट किए, कहीं भी हेडिंग के बाद भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही लगाना, कहीं भी लगा सकते हैं, सो हेडिंग के बाद में इसको क्लोज कर दो, इटैलिक आई देखिएगा हेडिंग झुक जाएगा, झुका हुआ बेंड टुवार्ड्स राइट, देखिए राइट टुवार्ड्स राइट बेंड हो गया, ये टुवार्ड्स राइट बेंड हो गया। अब इसको भी करना है तो सेम हियर ऑल्सो आवर ऑब्जेक्टिव है तो अब यहाँ पे इटैलिक यहाँ पे कर दे रहा हूँ,
इटैलिक कहीं भी कर सकते हैं, इन एनी प्लेस इटैलिक स्टार्ट इटैलिक इस तरह से आपका ऑल द हेडिंग्स जितने भी हेडिंग्स है ये इटैलिक हो गया ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज बोल्ड, नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज द बोल्ड अटैक दैट इज बी, तो बी इज द बोल्ड अटैक। जैसे इटैलिक लगा है इटैली के जगह अगर आपको इसको बोल्ड करना है, सपोज आई वॉन्ट एवरीथिंग दिस, ये जो है इसको बोल्ड करना है, इसको ये टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इसलिए बोल्ड टैग है हमारे पास, बोल्ड टैग है, इसको बोल्ड करना है। सपोज आई वॉन्ट टू मेक दिस वन, इसको बोल्ड करना है, ये पैराग्राफ जो दिख रहा है कौन सा पैराग्राफ को बोल्ड करना है, रेडी है और इसको बोल्ड करना है, तो ये पैराग्राफ को मैंने अप्लाई किया विजन एंड मिशन, फर्स्ट कौन सा विजन एंड मिशन, अब इसके पैराग्राफ को बोल्ड करना है तुम्हें, स्मॉल और कैपिटल फर्क नहीं पड़ता है, स्मॉल और कैपिटल फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए बोल्ड यहाँ पे सी यर एवरीवन, ये जो है ना हमारे पास विजन एंड मिशन के लिए फॉन्ट जो है दिख रहा है, पैराग्राफ के लिए फॉन्ट स्टार्ट हुआ तो फॉन्ट यहाँ पे क्लोज हुआ, बॉडी पे बोल्ड स्टार्ट हुआ तो बोल्ड यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। सेव किए, अब ये बोल्ड हो चुका है, इसको करेंगे ये बोल्ड हो गया, ठीक है बोल्ड हो चुका, पहले से कुछ चेंज जा रहा होगा, ठीक है ना, तो ये बोल्ड हो चुका है। अगर इसको बोल्ड करना है तो सेम यहाँ पे गए कहाँ पर पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ को बोल्ड अगर करना है तो बोल्ड आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आवर एम ए क्यों नहीं किए, इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये पैराग्राफ को करना चाह रहा हूँ तो बोल्ड ऊपर में लगा है, इस पर बी स्टार्ट किए और पैराग्राफ क्लोज फॉन्ट के बाद, फॉन्ट के बाद इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है ना। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये आई जो है और एम के लिए इटैलिक लगा और बी जो बोल्ड लगा है ये पैराग्राफ के लिए लगा, ठीक है ना। पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ देखिए क्या होगा, बोल्ड ऐसे ही इसको भी आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, योर चैप्टर इज ओवर, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू।